बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ पॉइंट हिस्ट्री पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता चला है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, तो उसी मुनासबत से हम डियर स्टूडेंट्स की हेल्प करने जा रहे हैं। और आपको यह भी बताती चलूँ, आज हम BA इंग्लिश मॉडर्न एसे का चैप्टर नंबर 14 ऑन सेइंग प्लीज़ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको मैं बताती चलूँ कि हम 13 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं MCQs टाइप। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14। इसके अलावा आपको मेरी वीडियोस में ओल्ड मैन एंड द सी भी मिल सकता है नॉवल में, और BSc के जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के, उनको भी इंग्लिश के चैप्टर्स मिल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए अब आप नोट डाउन करते जाइए MCQs और हम थोड़ी सी स्टोरी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो मुसन्नफ हमें बताने जा रहा है कि मुश्किलात से किस तरह निपटा जा सकता है, तो दुनिया में इस तरह के दो किस्म के कानून बनाए गए हैं, जिसे हम एक अदालती कानून कहते हैं, जबकि जो दूसरे कानून होते हैं उसे इखलाकी कानून कहा जाता है। किसी भी चीज़ को कामयाब बनाने के लिए अपने लहजे को नरम किया जा सकता है। अगर हम किसी शख्स से कोई बात करें तो एक नरम लहजे में करें, तो ये उसके लिए भी मुनासिब होगा। और कोई काम करने के लिए प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बताते चलें, अदालती कवानीन जो जराइम के बीच गुनी करते हैं, वो तशद्दुद और नज़्म व नस्क को ख़राब करने वाले वाक़यात को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, जबकि इखलाकी कवानीन का ताल्लुक इंसान के जज्बात और एहसासात पर होता है। इनको नज़रअंदाज करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए यहाँ पर एक लिफ्ट के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें कहा कि एक दिन एक मुसाफिर लिफ्ट में दाखिल हुआ और लिफ्ट मैन से कहा कि इसे टॉप यानी ऊपर वाली मंजिल पर ले जाओ। इस टॉप के साथ प्लीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया। लिफ्ट मैन इस बात पर नाराज़ हुआ और इसने सवारी को लिफ्ट से नीचे उतार दिया। लिफ्ट मैन को कानूनी तौर पर सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि इसने एक सवारी को लिफ्ट से नीचे गिराकर ज़ख्मी कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। किसी आदमी को इस बात का इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो लोगों को इनकी बदअखलाकी की सज़ा के तौर पर जिस्मानी नुकसान पहुंचाए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, राइटर यहाँ पर कहते हैं कि अच्छे और बुरे इखलाक जो हैं वो किस तरह फैलते हैं। तो इनका कहना है, जो बुरे इखलाक हैं वो जल्दी फैलते हैं, क्योंकि अगर जो बॉस है वो अपने मुलाजिम को डांटेगा तो वो गुस्सा चपरासी पर निकालेगा, चपरासी अपनी बीवी पर गुस्सा निकालेगा और बीवी बावर्ची पर। इस तरह ये एक बद इखलाकी जो है वो बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अच्छाई भी बहुत तेज़ी से फैलेगी, वो इस तरह से कि आप किसी को कोई काम कहने के लिए नरम लहजा इस्तेमाल करें, प्लीज़ और थैंक्स का वर्ड यूज़ करें, ये इसका राइट आंसर है। तो ये चीज़ जो है माशरे में बहुत तेज़ी से फैल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दूसरों के गैर महज़ब और गैर तरबियत याफ्ता रवैये की तस्खीरी दरअसल हमारे अच्छे रवैयों को फैलाने की तरफ रागब कर सकती है। शदीद नरम गुफ्तार लोगों को माली तौर पर नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वो रूहानी फतह ज़रूर हासिल कर लेते हैं। इस सिलसिले में मुसन्नफ़ ने हर इंसान को एक बाकरदार और एक अच्छा इंसान बनने की तरगीब दी है, ताकि वो एक कामयाब शहरी बन सके और माशरे में अच्छाई फैला सके। डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सब इसको नोट डाउन कर रही होंगे। आप इसको जस्ट एक बार रीड आउट करते जाइएगा और इसको नोट डाउन करते जाइएगा अपनी बुक्स में, ताकि आपको आसानी से जो है तमाम MCQs मिल सकें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यूज़ पॉइंट HT को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन से आप बाखबर रह सकें। तो इंशाल्लाह हम आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने हैं इसके बारे में भी मुकम्मल डिटेल देते रहेंगे। तो द राइटर एक्सप्लेन हिज पॉइंट बाई गिविंग अस द एग्जाम्पल ऑफ द लिफ्ट मैन। तो हमें लिफ्ट मैन की एग्जाम्पल के ज़रिए जो है एक नसीहत भी मिल रही है, और बहुत से जो है हमें अपने सवालात के जवाबात और अपने रवैयों के बारे में पता चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर नोट कर लिया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।